Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा, पूरे के पूरे शहर में हर जगह हमारे wanted के पोस्टर लग गए और हमें इधर से उधर छुपना पड़ रहा था और एट द एंड हमें अपना ही शहर छोड़ के भागना पड़ा. डगन बॉस को जल्दी से जल्दी मारना है, अदरवाइज वो हमें मार डालेगा. वैसे तो यार वो हमें मारने की साजिश से ही आया था. हमें इन तीनों लोग से बहुत ज्यादा खतरा है, ये लोग कभी भी हमें मार सकते हैं, बट उसका भी कुछ अता पता नहीं है. आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम वो भी डगन बॉस को बचाने में फुल लगा हुआ था. उसको बचाने के लिए एक बार को वो हमें मार देता भाई. फिलहाल अभी मुझे फटाफट से जाना होगा डेविन वेस्टन के पास. वैसे तो यार अपने पास इस टाइम पैसों की कमी नहीं है, मतलब अगर वो अपनी गाड़ी 1 मिलियन 2 मिलियन 3 10 मिलियन डॉलर्स तक की भी या फिर उससे भी ज़्यादा की बेचेगा तो मैं वो खरीद लूँगा. क्योंकि अगर मैं कल वाली रेस जीत जाता हूँ तो जिस बंदे ने हमारे ऊपर बेट लगाई है वो भी तो हमें बहुत सारा पैसा देने वाला है ना, तो सारा पैसा वहाँ से वसूल हो ही जाएगा. तो इसलिए फटाफट से चलते हैं डेविन वेस्टन के पास. जितने पैसों की वो गाड़ी बेचेगा मैं उतने पैसे देके उससे वो वाली कार खरीद लूंगा और कल की रेस के लिए फुल रेडी हो जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी नहीं हूँ. तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर डेविन वेस्टन के अल्ट्रा लग्जरी मेंशन पे पहुंचने वाला हूँ. बस मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत स्ट्रेट जाना है और हम लोग पहुंच गए हैं. बाकी यार अब बस ऐसा ना हो कि ये घर पे ही ना हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये इधर उधर दूसरी कंट्रीज में घूमता रहता है. तो ओके, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है, उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर खड़ा हुआ. हेलो, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ अभी? भाई ये मेरे को यहाँ से वापस जाने के लिए बोल रहा है मेरे पास, लेकिन डेविन का नंबर है, मैं इससे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने इस बॉडीगार्ड की डेविन वेस्टन से बात करवा लिया और डेविन वेस्टन तो हमें अच्छे से जानता ही है, उसके लिए हमने बहुत काम करा है. मूवी जो उसकी प्रोड्यूस हुई थी एक्चुअली वो मूवी हमारी थी, बट उसका सारा पैसा डेविन वेस्टन ने कमाया, वरना आज हम लोग एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते और हमारे पास भी कुछ इतना तगड़ा लग्जरी मेंशन होता. और एक बार ही आप लोग ना सामने तो देख ही लिया होगा इसकी जी वैगन, बाकी लेफ्ट साइड में देखो इसके पास वर्ल्ड की सारी महंगी एसयूवी है. रोल्स रॉयस क्लीनन, बेंटली, बीबन टाइगा और रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी उरस. मेरे को ऐसा लगता है कि डेविन वेस्टन प्रॉपर एसयूवी फैन है, सारी की सारी तगड़ी एसयूवी इसके पास है. बाकी बॉडीगार्ड कहाँ चला गया ये? वेट, मेरे को ना यहाँ से नीचे जाना है. अभी इसके सिक्योरिटी गार्ड खाली पीली पकड़ के मुझे पूछताछ करने लग जाते. जिससे मेरी गेट पे बात हुई थी उसने कहा था कि इस टाइम पे डेविन अपना फुल रेस्ट कर रहे हैं, बाहर स्विमिंग वगैरह करने के लिए गए हुए हैं. लेट्स गो. तो इसका स्विमिंग पूल आपने देखा हुआ बाहर की साइड पे, भाग के चलते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं यार. गाड़ी वगैरह सब कुछ मुझे चाहिए होगी और क्या मस्त घर बना रखा है यार इसने. बाकी जिसके साथ हम लोग आए थे वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं. ठीक है ब्रो, थैंक यू यहाँ तक मुझे लाने के लिए. अभी फटाफट से ना मैं चलता हूँ सीधा डेविन वेस्टन के पास. काश ऐसा घर हमारा भी हो जिससे सामने पूरा एकदम ओशन का जो व्यू है ना, कितना मस्त लग रहा है. नीचे पूरा हाईवे भी दिखता है और शायद से देखो वो रहा सामने डेविन वेस्टन स्मोकिंग कर रहा है, उतेरी स्विमिंग कर रहा है भाई, फुल मस्त बंदा अपना मजे में. चारों तरफ गार्ड्स लगा रखे हैं ताकि कोई बंदा दूर दूर से भी गोली वोली ना मार दे. अभी मेरी फिलहाल डेविन वेस्टन से बात हो चुकी है. ये कह रहा है गाड़ी तो हमें दे देगा बट उस गाड़ी के बदले ये हमसे पैसे नहीं ले रहा है. मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक बार को 10 मिलियन 15 मिलियन डॉलर्स ले ले और गाड़ी दे दे, बट ये साफ साफ मना कर रहा है कि तुम कितना ही पैसा दे दो ये गाड़ी हमें पैसों के बदले नहीं, हमें इसका एक काम करना होगा, उस चीज़ के बदले ये हमें अपनी वाली कार देने वाला है. बाकी मैंने इससे पूछा था कि टेस्टिंग के लिए मिल सकती है तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इसको पक्का पता है हम लोग इसकी वो गाड़ी चुरा लेंगे. बाकी इसने जो हमें काम दिया है वो काम भी कोई इजी नहीं है, मतलब एक गाड़ी देने के बदले ये हमसे एक गाड़ी मांग रहा है. ये कह रहा है कि एक कार है जो कि लॉस सैंटोस में अभी अभी आई है, जो जेड टाइप कार है आपने देखी होगी, वो बहुत ज़्यादा रेयर है इसलिए वो इतनी ज़्यादा महंगी है और इन सब अमीर बंदों को पसंद आती है, तो इसको वो वाली कार चाहिए. इस कार की लोकेशन इसने मुझे दे दिया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, एक एरिया है जहाँ पर पता नहीं वो किस बंदे की कार है, उसने वहाँ पर छुपा रखी है. हमें वो कार जाके किसी भी कीमत पर चुरा के लानी है और भैंस की इतना ज़्यादा बड़ा घर बना लिया. एग्जिट कहाँ पर है मुझे पता ही नहीं. बॉडीगार्ड इसके पास तक साथ आया था. अगर अब मुझे घर से वापस जाना है तो मेरे को यहाँ से पैदल जाना होगा. मैं कूद के जा रहा हूँ भाई इस तरफ से, इतना ज़्यादा बड़ा घर है, रास्ते ही भूल गया भाई मैं एक मिनट के अंदर ही. खैर ठीक है, यहाँ से अभी राइट को मुड़ते हैं और ये देखो भाई इसकी क्या मस्त मस्त कार है. क्या ठीक है, अभी इसके लिए वो जो गाड़ी है मुझे कुछ भी करके चुरानी होगी. और चुराने की दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कल दोपहर को ही मुझे रेस के लिए निकलना है. यानी कि गाड़ी चुराने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज रात और कल दोपहर तक का ही टाइम है, जो कि जहाँ तक है 16 से 18 घंटे ही मेरे पास है भाई. 18 आवर्स में ये सब कैसे पॉसिबल है? शायद लेस्टर हमारी कोई ना कोई हेल्प कर सकता है. फटाफट ना यार, अभी मुझे भाग के यहाँ से निकलना चाहिए. अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं लेस्टर के पास, क्योंकि अगर मैं कल वो रेस जीत गया तो समझ लो भाई अपने पास भी ऐसा ही घर होगा. और जो उसके पास एसयूवी खड़ी थी ना,
मान के चलो ये सारी कार्स अराउंड 3 करोड़ से ऊपर की है, तो हमारे पास भी ऐसी गाड़ियां आ जाएगी। इसीलिए भाई कुछ भी करके मुझे ये सारा काम करना ही करना है। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सोने की खान पे, मीन्स गोल्ड माइन शाफ्ट पे। बाकी यहाँ पर आने का मेन रीजन ये है कि लेस्टर ने 2 ट्रक भर के रो गोल्ड लोड करवा दिया है और ट्रक ड्राइवर भी यहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं। उनको हमें अपने साथ लेकर जाना है उस जगह पे जहाँ पर गोल्ड पहले रिफाइन होगा, फिर उसके बाद सारा गोल्ड मेल्ट होके गोल्डन इंगेट में मीन्स गोल्ड बार्स उसके बन जाएंगे। खैर अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, बट मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि आखिरकार अपनी माइन शाफ्ट थी कहाँ पर। जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम मैं यहीं कहीं से एक दरवाजा तोड़ के उस माइन शाफ्ट में गया था। बट वेट, सामने की तरफ में वो दोनों ट्रक्स खड़े हुए हैं जिसमें सामान लोड हुआ है, बट मुझे पता नहीं क्यों वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। 2 ट्रक ड्राइवर्स हैं जिसको डगन बोस के बंदों ने घेरा हुआ है। भाई साहब ये लोग नहीं मानने वाले यार, ये डगन बॉस की सिक्योरिटी ना सच्ची में बहुत ज्यादा जिद्दी है। अभी इन दोनों लोग को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर मैंने इन्हें मारने की कोशिश करी तो हो सकता है कि ये इसके ऊपर गन चला दे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर इन 5ों लोग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के पास गन है। अगर मैं इसको मार दूं तो ये जो 2 लेस्टर के इंपोर्टेंट बंदे हैं जो कि हमारा सामान सप्लाई करने वाले हैं हमेशा, वो दोनों लोग बच जाएंगे। बट यार इनको मारने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये पिस्टल है और कोई गन भी मैं अपने साथ कैरी कर नहीं घूम रहा हूं। अगर ये निशाना मिस हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए एकदम मस्त है। ओ तेरी, मेरे मारने से पहले उसने मुझे देख लिया और भाई उसने मेरे शॉट बजा दिया और बाकी सारे बंदे भी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वेट, मुझे इनको अच्छे से मारना होगा। एक यहाँ पर गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया और ये चौथा मिस हो गया। वेट भाई, इन सबने आर्मर पहना हुआ है, मुझे भाई पीछे भागना होगा। वेट, मैं लेकिन भागूंगा कहां पर भाई, एक सेकंड मैं पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है भाई वो सारे के सारे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, चारों की गोलियां बजा दी फिर भी उठ उठ के आ गए हैं और भाई उन्होंने मुझे यहाँ पर छुपते हुए देख लिया। भाई मेरी गाड़ी को कोई हाथ मत लगाने। ये भी गया और ये भी गया। भाई साहब जैसे तैसे करके यहाँ पर मैंने 5ों लोग को मार दिया है और अभी शायद मैं सेफ हूँ। लेट्स गो गाइस, अभी ना मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। भाई उस सामने वाले बंदे ने भी मेरे एक रख के मार दी थी बुलेट तुरंत ही, जैसे ही मैंने उसके ऊपर एम करा उसका ध्यान मेरे ऊपर आ गया। फिलहाल ठीक है, मैंने इनको अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचने दिया, वरना इनमें से एक आध बंदा पक्का इस गाड़ी को उठा के भाग जाता या फिर इस गाड़ी में बैठ के मुझे मारने आता। बट ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी भी बचा ली और अपने आप को भी बचा लिया, प्लस लेस्टर के जो इंपॉर्टेंट बंदे थे ट्रक ड्राइवर्स, इनको भी मैंने यहाँ पर बचा लिया। फिलहाल अभी जल्दी से चल के अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़े करता हूँ। और अबे मर चुके हैं सारे के सारे, ये बेचारे अभी भी डर के बैठे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कहने वाला, तुम्हें आराम से रहो, मैं लेस्टर का ही आदमी हूँ। भाई बेचारे डर गए बहुत ज्यादा ये लोग तो। ओके, तो अभी मैंने इन दोनों लोग को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है। लेस्टर ने मुझे कहा था कि मुझे इन दोनों को वो फैक्ट्री दिखानी है जहां पर ये लोग सारा का सारा गोल्ड हमेशा ट्रांसफर करने वाले हैं। अब यार देखो, हम लोग खुद थोड़ी आएंगे, यहाँ पर गोल्ड माइन होगा, फिर हमें उस फैक्ट्री पे पहुंचाना है जहाँ पर इस गोल्ड को रिफाइन और मेल्ट किया जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, बंदे तो अपने बढ़िया हैं, बट अगर आज हम लोग बाय चांस थोड़ा बहुत लेट हो जाते या फिर अपने पास कोई भी गन नहीं होती या सामने वाले एनिमीज के पास कोई तगड़े वेपन्स होते हैं, तो भाई सही बता रहा हूँ, ये दोनों लोग की जान किसी कीमत पे नहीं बचती। बट ठीक है, अच्छी बात थी भाई, उनके पास भी अच्छे वेपन्स नहीं थे और हम लोगों ने भी अपनी पिस्टल का सही इस्तेमाल करके जैसे तैसे उन लोग को मार डाला और इनको बचा लिया। बट अगर इसी तरीके से चलता रहना तो यार अपने को बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। फिलहाल अभी ये दोनों लोग ट्रक लेकर हमारे पीछे आ रहे हैं। जिस जगह पे हमें जाना है वो जगह लॉस सैंटोस में ही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उस जगह पर मैं एक दो बारी पहले गया हूँ, आप लोग भी उस जगह को सही से पहचान जाओगे। फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं, बलेश्वर को कॉल करके बोलता हूँ कि यार अपने को बहुत ज्यादा खतरा है ये गोल्ड के बिजनेस में, डगन बॉस के बंदे हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो या तो हम लोग उनको निपटा दें, और उनको निपटाने के लिए हमें चाहिए होंगे वेपन्स जो कि लेस्टर ही जुगाड़ करवा पाएगा, और वेपन्स यार सच्ची में भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सेफ्टी के लिए भी। तो जल्दी से मैं लेस्टर को कॉल करके वेपन्स के लिए बात करता हूँ। अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर इस फैक्ट्री पे पहुंच चुका हूँ और आप लोग मानोगे नहीं कैसी कैसी घटिया घटिया गली से मैं अपनी गाड़ी को लेकर आया हूँ। काफी ज्यादा गंदी हो गई है यार अभी ये, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, काम के लिए सब कुछ हाजिर है। फिलहाल इस फैक्ट्री का जो मेन एंट्रेंस का रास्ता है वो ये वाली गली है। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर राइट मोड़ते हैं। बाकी भी बीच रास्ते में मेरी लेस्टर से भी बात हो गई है और उसने वेपन्स लेने का ना एक बढ़िया जुगाड़ बताया। वैसे आप लोग को नहीं पता होता मैं बता दूं, इस टाइम अपने पास वेपन्स बिल्कुल नहीं है। जो वेपन्स वो तेरी भाई, उसने पीछे ट्रक ठोक, मैं वही कहूँ इतनी तेज आवाज कहाँ से आई, वो देखो भाई उसने ट्रक गलती से वहां पर ठोक दिया है। बट कोई नहीं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आते होंगे। बाकी हाँ, मैं ये कह रहा था कि लेस्टर ने हमें एक बढ़िया तरीका बताया वेपन्स लेने का, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेपन्स नहीं है, बाय चांस किसी से लड़ाई हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉस सैंटोस की सारी शॉप मिलिट्री कर्नल ने बंद करवा दी थी काफी टाइम पहले, थोड़े बहुत वेपन्स हमें बिग माफिया के भाई के थ्रू आते थे बट अभी वो भी बंद हो गए हैं। खैर वो सब छोड़ो, अभी मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये ट्रक, वाओ इन्हीं की बात कर रहा था और अब पहुंच गए भाई, इतनी पतली गली भी नहीं थी
जो इतनी बुरी तरह ठोक दिया इसने ट्रक को। आगे के दोनों शीशे टूट गए और नीचे का भाई साहब बोनट वाला एरिया तो पूरा ही इसने उड़ा डाला है। फिलहाल अभी जल्दी से फैक्ट्री के अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार काम चल क्या रहा है यहाँ पर। अब बाकी इनको पूरा काम लेस्टर बता देगा। हाँ, तो हम लोग वेपन्स को लेकर बात कर रहे थे। लेस्टर ने ना एक जगह पता करी है जहां पर से वेपन्स लॉस सैंटोस में आते हैं, एम्युनिशन शॉप पे जाते हैं। हम लोग वहीं से वेपन्स उठा सकते हैं, बट उठाना नहीं है, हम एक तरीके से चोरी करना है। ट्रेन होती है जहां पर ट्रेन कंट्रोल की जाती है ना, हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं और एक ट्रेन को रुकवा के उसमें से वेपन चुराएंगे। काम सुनने में आसान है बट करने में भी आसानी होने वाला है वैसे जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, वेपन चुराने के बाद मैं सीधा यहीं पर आ जाऊंगा और अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा पार्टी में। मैं सोच रहा था लेस्टर यहाँ पर देखो भेजेगा बट ये तो खुद आ गया यहाँ पे। चलो यार, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और इसने मुझे पूरा का पूरा प्लान अच्छे से समझा दिया है। खैर, अभी इसने मुझे एक बैग दिया है जिस बैग में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और वो है लेस्टर का लैपटॉप। अभी स्टंट मारने के चक्कर में बहुत बुरी तरह ठुक जाता। बैग में लेस्टर का लैपटॉप, जिस लैपटॉप के थ्रू हम लोग एक बहुत खतरनाक सिस्टम हैक करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लेस्टर का जो प्लान है वो कुछ इस टाइप का है कि ट्रेन है जिसमें वेपन्स लोड होकर आते हैं दूसरी कंट्री से और जाते भी है कुछ वेपन्स लॉस सैंटोस से। हमें उसी ट्रेन को रोकना है और उसमें से वेपन्स चुराने हैं। अब जल्दी से चलते हैं सीधा उस जगह पे। वो एक कोई स्टेशन नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, वो एक टाइप का कंट्रोल एरिया है जहाँ पर वेपन लोड होते हैं और ट्रेन कंट्रोल होती है, उनके सिग्नल आते हैं। जो भी है, इतना मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो जाके वहां पर बस ट्रेन को रोकना है और वेपन चुराने हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में हाईवे पे भगाता हुआ उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं और स्टंट मारने में ना यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। यार वो सब छोड़ो, अभी अपने मेन काम पे फोकस करते हैं। हम लोग यहाँ पर वेपन चुराने आए हैं। वेपन चुराने के लिए हमें कंट्रोल सेंटर जाना पड़ेगा बट मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। कह रही कि ये वाला रेलवे ट्रैक जा रहा है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ क्योंकि लेस्टर ने मुझे यही लोकेशन दी थी, तो शायद से वाला रेलवे ट्रैक उसी जगह पर जाता होगा कंट्रोल ऑफिस तक। फिलहाल काफी ज्यादा सुनसान सा एरिया है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस जगह पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रही है जगह। खैर, अभी यहाँ पर हम लोग बाइक से उतरते हैं क्योंकि बाइक अपनी आगे नहीं जा सकती, सामने एक यहाँ पर कैनाल बनी हुई है। बाइक उतारूंगा खाली पीली अटक जाएगी। चुपचाप से यहाँ पर से जंप मार के मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फैंस ऐसे ताप लेते हैं, काफी ज्यादा कूड़ा करकट यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक्चुअली रेलवे का सामान है सारा, यहाँ पे कंट्रोल ऑफिस है, सब चीज शायद से यहीं पर कंट्रोल होती है। कोई रेलवे ट्रैक वगैरह खराब हो जाता होगा तो ओके। सामने चार पांच बंदे हैं बट वो तो अपना फार्मिंग कर रहे हैं, वो खैर उनसे मुझे कोई डरने वाली बात नहीं। मुझे लग रहा था भाई कौन वहां पर उस खेत में बैठा हुआ है। बाकी ठीक है, यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी गन निकाल के ही रखता हूँ, बाय चांस ये कहीं सिक्योरिटी गार्ड हो, छुप के कुछ इलीगल काम कर रहे हैं और मुझे देख के खाली पीली मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। खैर, जल्दी जल्दी भागकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। हाँ, इनसे डरने की जरूरत नहीं है और जो कंट्रोल ऑफिस है मैं वहां तक पहुंचने वाला हूँ। सामने से एक ट्रेन जा रही है, काफी ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है। लेफ्ट साइड से नहीं, मुझे ना ये रेलवे ट्रैक से जाना चाहिए, क्या पता बैक साइड से कोई एंट्रेंस हो, अपना काम इजीली हो जाएगा। खैर, एकदम सुनसान जगह यार, मुझे ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक गेट है जो कि पता नहीं ओपन होगा या नहीं। खैर, मुझे एक मस्त गन मिल चुकी है भाई यहाँ पर। सच्ची में वेपन्स का काम होता है। बट वेट, यहाँ पर बंदे हैं जो कि बात कर रहे हैं। अब यार देखो, मुझे वेपन्स चाहिए तो मुझे इन लोग को मारना ही होगा। फटाफट से इसको उड़ाता हूँ, दूसरे को भी मैंने यहाँ पर उड़ा दिया, एक और बचा दी मैंने इसके। बट वेट, पीछे से यहाँ पर और लोग आ गए, मुझे अभी भागना होगा। मुझे लग रहा था कि ये दो ही लोग हैं, इसकी टांग निकल जाती मेरी सामने से, ये पता नहीं कब में आ गया। खैर ठीक है, मुझे भी भाग के यहाँ से पीछे की तरफ में जाना होगा। वेट, बस यहाँ पर अंदर कोई ना आए। उसके पीछे कवर लेकर खड़ा था, उससे लगा मैंने उसे देखा नहीं। बाकी यहाँ पर जितने लोग थे शायद मैंने सबको नहीं मारा, सामने भी दो तीन लोग है भाई, बहुत ज्यादा गलत सीन है। मेरे को पुलिस के गाड़ी के भी सायरन का साउंड आ रहा है। नहीं यार, अभी ये सब ड्रामेबाजी मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करने आया हूँ, उसके चक्कर में मैंने यहाँ पर कितने सारे गार्ड्स मार दिए। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर क्या कर रही है भाई, पक्का यहाँ पर बहुत ज्यादा ही वेपन्स होते होंगे तभी इधर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। उधर से बंदा मार रहा था बट मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो इधर जो बंदा बैठा था, चलती रही ऐसी कैसी, मैं इतनी देर से वेट कर रहा था अपनी कैप की, जैसे निकला मैंने उसके बचा दिया। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो मारा जा चुका है और अभी मामला पूरा शांत है। मुझे एक बार ना पहले अगल बगल एरिया चेक कर लेना चाहिए। खैर, यहाँ पर शायद से कोई नहीं बचा। फटाफट से इस जगह के मींस इस ऑफिस के अंदर चलते हैं और यहाँ से मुझे एक ट्रेन को बुलाना होगा जैसा मेरे को लेस्टर ने कहा था। चलो ठीक है, अभी फिलहाल मैं इस जगह से बाहर आ चुका हूँ। अब फटाफट से उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर ट्रेन आने वाली है। अब यार देखो, सीधी सी बात है, जो लोग यहाँ पर वेपन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, बट जब वो लोग मुझे यहाँ पर देखेंगे तो पक्का वो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन ये बात मुझे मालूम है तो मैं पहले से अलर्ट हूँ, जैसे ही वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे उससे पहले मैं उनको निपटाऊंगा और सारे वेपन्स लेकर यहाँ से फटाफट भाग जाऊंगा। बट हाँ,
ये जगह मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सही है। ट्रेन यहीं पर आकर रुकने वाली है तो मुझे भी जल्दी से इसी के नीचे चल के छुप जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रिज के नीचे तो वो मुझे किसी की मत नहीं देख पाएंगे। लेट्स गो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं जब तक ट्रेन नहीं आती। यहीं पर खड़े होकर मैं ट्रेन का वेट करने वाला हूँ। तो चलो यार, फिलहाल पूरे के पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। मैंने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए हैं, मुझे काफी ज्यादा आराम से फुल शांति बना के यहाँ से ऊपर चलना होगा। और ये भाई साहब बंदा यहीं पर खड़ा हुआ था, उसने मुझे बाहर निकलते ही देख लिया है। और अब तक तो शायद सबको मालूम पड़ गया होगा कि मैं किस साइड से आने वाला हूँ। भाई इनके पास सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़े वेपन्स हैं और उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट ना भी। खैर मार तो नहीं पाया, पीछे से कुछ चलती रही, कितनी ज्यादा दूर था। बट हम लोगों ने अपनी ये डेजर्ट ईगल से नहीं, इसको गोल्डन कट्टा बोलते थे ना, अपना कट्टे से हमने इसे उड़ा डाला है। बाकी वेट कौन मार रहा है यहाँ पर? शायद से एक दो लोग ही बचे हैं बट मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। रुक जाओ, इस तरफ में है ना, इधर है तेरी। निकल भाई, भाग के जा रहा था पीछे छुपने के लिए, बट उससे पहले मैंने इसका सीरी फोर डाला। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं अंदर। और ये रहा इसके पास बढ़िया वाली गन्स, यही सारे वेपन्स आज हमें मिलने वाले हैं। ये तो काफी ज्यादा हैवी है भाई, ये बिल्कुल M249 या फिर उससे ऊपर का ही कोई वेपन है। फिलहाल अभी मुझे इस कंटेनर को कट करके ओपन करना है। बताया नहीं यार आगे कौन कौन से वेपन्स मुझे इसके अंदर से मिलने वाले हैं। खैर कोई ज्यादा खास वेपन्स नहीं है जो मेरे हाथ में है ना, इसी की पूरी 3 पेटियां है। बाकी यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या? तो गाइस अभी मैंने खूब सारी गन्स उठा के अपने बैकपैक में डाल दिया है और यहाँ पर जितना भी गोल्ड था ना वो भी मैंने सारा अपने बैग में भर लिया। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बट वेट, ये पुलिस को कैसे मालूम पड़ गया भाई? और वो लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर भी यहाँ पर आ चुके हैं। बट मैंने नहीं छोड़ने वाला, मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है। बट सामने बहुत ज्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर, एक नहीं दो तीन तीन हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए। मुझे भी फटाफट यहाँ से निकलना होगा, मेरी बाइक सामने खड़ी है, मैं खाली पीली नहीं लड़ने वाला। मैं चुपचाप से यहाँ से भाग सकता हूँ, अगर मैंने इनसे लड़ने की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को बाइक भगानी है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग मेरा फेस भी ना देखे भाई, आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। लेट्स गो, हटा हुए गाड़ी आगे से, आगे चला रहा था, गोली मार के साइड कर दिया यार। उधर से पुलिस आ रही है, नीचे अजीब सा रास्ता है, मैं कहाँ को जाऊंगा? मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। सामने भी गाड़ी आ चुकी है, वेट मैं बहुत गलत रास्ते पे आ चुका हूँ, मुझे मेन हाईवे पकड़ना चाहिए, वहां पर मैं अपनी बाइक बहुत तेज चला सकता हूँ। ऊपर ट्रेन जा रही है, नहीं यार ये कहाँ लेकर आ चुका हूँ मैं अपनी बाइक। लेट्स गो, तो अभी ना मैं जैसे तैसे करके अपनी बाइक को हाईवे पर लेकर पहुंच चुका हूँ और यहाँ का रास्ता पूरा क्लियर है। अब बस इसे फटाफट से भगा लेते हैं लॉस एंजेलिस के लिए, क्योंकि अगर मैं एक बार वहां पहुंच गया तो फिर हम लोग इजी एस्केप कर जाएंगे पुलिस। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम मेरी बाइक बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चल रही है और मैं इसे लेके लॉस सैंटोस पहुंचने वाला हूं। पीछे अब जो भी बंदा आ रहा है ना, तेरी बाइक 2 से 3 बंदों के शॉटगन का हेडशॉट बजा डाला है ये निकला। और भाई साहब क्या निकाली है मैंने, अचानक से उनका ट्रक मेरे सामने आ गया था। बट ठीक है, वापस से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वहां पे ब्रेक मारने के चक्कर में स्पीड बहुत कम हो गई थी। हाईवे पे चलाऊंगा तो नहीं यार, मैं बाकी रास्तों पे चलाऊंगा तो पक्का एक्सीडेंट होने के भी तो चांस है ना। फिर बाकी मुझे ना भी कोई बढ़िया सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि यार हाईवे पे मैं तो तेज जा रहा हूँ, बड़े पुलिस वाले भी यार उतनी तेज मेरा पीछा कर रहे हैं। सामने की तरफ मुझे एक मस्त जगह मिल चुकी है जहाँ से मुझे वहां से निकलना था, बट इसने गाड़ी मोड़ने नहीं दी मेरे को। ठीक है, अब आगे मेरे को एक जगह और मिल गई है जो मैं करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर से पॉसिबल हो जाएगा। 3, 2, 1 लेट्स गो। तो ये मैं अपनी बाइक में गलत जगह ले आया यार, मुझे इधर नहीं बाहर जाना, हटो मैं वो फोड़ दूंगा। यहाँ सुन दो गलत जगह चला गया तो सच्ची में अगर दीवार में जाके भी बाइक टूटती ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। खैर ठीक है, ये एक गलत फिर गलत यार, चला रोड होने के बाद भी मैं अपनी बाइक को इन गलियों में क्यों चला रहा हूँ? प्लीज ये गली आगे पहुंच गए, गली आगे कहीं पर भी बंद नहीं है बट सामने। ओ लेट्स गो, ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं है ना, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला मैं जा रहा हूँ फुल मजे में और ये मेरे ऊपर से बरसा दे गोलियां। ठीक है, अपनी बाइक को यहाँ से उतारते हैं, ये वाला रास्ता पूरा क्लियर है बट हेलीकॉप्टर को बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा हमें मारने के लिए। तो मुझे भाई यहाँ से कोई ढंग का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। हाईवे पे जा रहा हूँ मैं वापस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली जगह है यार ये। भाई कहाँ जाऊँगा, मैं फंस चुका हूँ इस टाइम से। ओ भाई बाइक का आगे वाला टायर क्या यार, ये बहुत ज्यादा गलत हो चुका मेरे साथ। वापस ही चल रहे थे हम लोग बट इन्होंने बाइक का आगे वाला टायर ही पंचर कर दिया है। टायर पंचर होते ही टायर पूरा गायब हो गया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ यहाँ से। प्लीज कोई तो रास्ता होगा मेरे बचने के। गए अभी अपनी बैंड बजी, बहुत बुरी तरह अरेस्ट करेंगे, उनको एनकाउंटर ही कर डाले यहाँ पर। बट नहीं, हार नहीं मानेंगे,
अपने मेरे को बस एक 5 मिनट मिल जाएगा लेस्टर को कॉल करने के लिए, वो मेरे को बचा लेगा। मुझे बच्चे से मारूं मैं? नहीं यार, वो भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर मुझे, वेट बचाऊंगा बचाऊंगा बचाऊंगा, अभी ना मुझे यहाँ पर पुलिस देख पाएगी ना मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर देख पाएगा, और मैं काफी ज्यादा सेफ हूँ। बट मैं घुमा फिर आगे वापस वहीं जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ कहाँ ले जा रही है मुझे यार? यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी है क्या आगे? प्लीज यार, ऐसे खुला भागूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। गाड़ी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे 3 मंजिल ऊपर से कूदना पड़ेगा, और मेरे पास पैराशूट भी नहीं है। और पैराशूट होता भी तो यार इतनी जल्दी वो खुलता नहीं, उसको भी खुलने के लिए टाइम चाहिए होता 2-3 सेकंड का। कूदूंगा तो 2 सेकंड, खैर अभी मैं नीचे आ चुका हूं, ड्रामेबाजी कम करनी है बस मुझे। वो सामने से गाड़ी आ रही है पुलिस। नहीं 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 नहीं, मैं हूं यहां पर। हम सब भर के आ रखे हैं ऐसे बंदे भाई, गाड़ी मिल चुकी है, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं भाई साहब। की गाड़ी 4-4 बंदे भरे पड़े हैं, मुझे लग रहा था 2 होंगे। मैं ठीक है, गाड़ी मिल चुकी है और फटाफट हम लोग यहाँ से एस्केप करते हैं। बट सामने भी इन्होंने रास्ता घेरा हुआ है, बट मैं निकाल लूंगा। अभी मेरे को टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया भाई। अब ये ढंग से कंट्रोल नहीं होने वाली, गलत ही सीन हो रहा है आज अपने साथ। कितनी देर से ये लोग मुझे चेस कर रहे हैं। ओ एक और टायर, ओ तेरी 2 से 3 टायर पंचर कर दिए शायद यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के ये देखो आगे वाला तो टायर ही चला गया, अभी बस पंचर हुआ था, दोनों टायर चले गए। हाँ खैर ठीक है, अपनी गाड़ी बस दोनों टायर पे चल रही है। राइट अच्छे से मुड़ जाएगी बट लेफ्ट नहीं मुड़ने वाले क्योंकि लेफ्ट साइड की बैंड बच चुकी है। फटाफट से मैं लेस्टर को कॉल करता हूँ अपना ही नहीं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। तो चलो यार, आज के साल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।